मेरा बचपन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ। प्रश्न दो, अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? उत्तर, अब्दुल कलाम बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न तीन, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? उत्तर, अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। प्रश्न चार, जैनुलाबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाबुद्दीन ने नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। प्रश्न पाँच, अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे? उत्तर, अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीतने का कारण लिखिए। उत्तर, अब्दुल कलाम के घर में संस्कार था और उनके पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, इसलिए अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहने का कारण अब्दुल कलाम को बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता। उत्तर, अब्दुल कलाम के घर में संस्कार था और उनके पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे, इसलिए अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहने के कारण अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता। प्रश्न दो, आशियामाजी अब्दुल कलाम के कौन खाने में क्या क्या दीदी थी? उत्तर, आशियामाजी अब्दुल कलाम को खाने के लिए घर में बना हुए अचार और नारियल की ताजी चटनी देती थी और केले का पत्ता बिछाकर उस पर चावल एवं सुगंधित सांबार डालती थी। प्रश्न दो, आशियामाजी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, आशियामाजी अब्दुल कलाम को खाने के लिए घर में बना हुआ अचार और नारियल की ताजी चटनी देती थी और केले का पत्ता बिछाकर उस पर चावल एवं सुगंधित सांबार डालती थी। प्रश्न तीन, जैनुलाबुद्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना आती है। जैनुलाबुद्दीन कहते हैं कि नमाज पढ़ने से शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। प्रश्न तीन, जैनुलाबुद्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना आती है। जैनुलाबुद्दीन कहते हैं कि नमाज पढ़ने से शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। प्रश्न चार, जैनुलाबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाबुद्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। इन नौकाओं के द्वारा तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी तक लाने ले जाने का काम आती थी। प्रश्न चार, जैनुलाबुद्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाबुद्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। इन नौकाओं के द्वारा तीर्थयात्रियों को रामेश्वर में धनुषकोटी तक लाने ले जाने का काम आती थी। चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, शमसुद्दीन रामेश्वर के एक एक अखबारों के वितरक थे तथा अकेले एजेंसी चलाते थे। अकबर सुबह ही ट्रेन में रामेश्वर आता था और राज हजारों प्रतियों बिकती थी। चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? उत्तर, शमसुद्दीन रामेश्वर के एक एक अखबारों के वितरक थे तथा अकेले एजेंसी चलाते थे। अखबारों को सुबह की ट्रेन में रामेश्वर आता था, रोज हजारों प्रतियां बिकती थी। मुहारा, पौंड फटना, प्रभात होना, काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना। अन्य वचन रूप, बच्चा बच्चे, गली गलियां, किला केले, नौका नौकाएं, प्रति
प्रतियां, पुस्तक पुस्तकें, मुहारा, पांव फटना, प्रभात होना, काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना, अन्य वचन रूप, बच्चा बच्चे, गली गलियां, किला केले, किला केले, नौखा नौखाएं, प्रति प्रतियां, पुस्तक पुस्तकें। विलोम शब्द लिखिए, बहुत कम, बड़ा छोटा, शाम सुबह, अच्छा बुरा, अपना पराया, सफल असफल। विलोम शब्द लिखिए, बहुत कम, बड़ा छोटा, शाम सुबह, अच्छा बुरा, अपना पराया, सफल असफल। जोड़कर लिखिए, मेरे पिता जैनलाबुद्दीन मद्रास राज चेन्नई, शमशुद्दीन चचेरीबाई अहमदाबाद, जलालुद्दीन अंतरंग मित्र पक्का दोस्त रामनंद शास्त्री। मेरे पिता जैनलाबुद्दीन मद्रास राज चेन्नई, शमशुद्दीन चचेरीबाई अहमदाबाद, जलालुद्दीन अंतरंग मित्र पक्का दोस्त रामनंद शास्त्री। अनुरूपता, गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन दो, जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन।